and welcome back to my YouTube channel. It's the day 23rd of the challenge and welcome back to another vlog. I was waiting for this day for so long and finally the day has come. आज मेरी यूनिवर्सिटी का पहला दिन है, मतलब आज मेरी ओरिएंटेशन है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी नर्वस एंड वेरी स्लीपी एट द सेम टाइम. या सही से नींद नहीं पूरी हुई यार, मुझे नींद आ ही नहीं रही थी. मतलब मैं सो गई थी लेकिन फिर मेरे ख्याल से 6:30 आंख खुलना शुरू हो गई और मुझे नींद बाद में आई ही नहीं. फिर मैंने कहा टाइम लगा करने से अच्छा है कि मैं जाके व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ. तो मैं आ गई, इतनी चंगी है ना मैं. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. लाइक फॉर यू इट विल बी अ नॉर्मल फर्स्ट डे ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है, लड़की का एक पहला दिन है, लेकिन फॉर मी इट्स द एक्सेप्टेंस ऑफ माय प्रेयर्स, इट्स द रिजल्ट ऑफ माय फेथ, इट्स द रिजल्ट ऑफ माय तवक्कुल एंड आई एम ब्लेस्ड एंड हैप्पी दैट अल्लाह डिड इट फॉर मी. सो यस, अब हमें ये करना है कि हमें रेडी शेडी होना है ओरिएंटेशन के लिए, थोड़ा रिप्रेजेंटेबल लगना है. मैं ऐसे ही चली गई ना, बस फिर कुछ नहीं हो सकता मेरा भी. आई एम एक्साइटेड. हाँ, let's go. Assalamualaikum. Lakho dilo ki jaan, Chahat Fateh Ali Khan. Get ready with Chahat Fateh Ali Khan. Mere paas bilkul time nahi hai, pata hai. Intro ke chakkar mein late ho gayi hu. Kaun sa pehli baar hai? Actually maine behan ki cheeze padi hui hai yahan pe aur kuch bhi kharab ho gaya to waise hi mera qatl hai. To we have to be careful. Kya dekh rahe ho? Jao zara main taiyar ho ke aati hu. 10 hours later. I think I just messed up. Yaar, shit. कोई बात नहीं, किसी के साथ चलते. So the makeup is done. Actually, I'm not satisfied, but it's fine. We have to be fine with it. क्या फर्क पड़ता है? Hey, let's get dressed. Okay, so I am dressed और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा मेकअप सही लग रहा है. मतलब आई फील गुड. अब हम पहन लेते हैं ज्वेलरी, गो टू ज्वेलरी पहनेंगे सबसे पहले वॉच, क्योंकि हम एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं, वॉच जरूरी होती है, ठीक है. मुझे आपको पता है एक वॉच ही है जो मुझे ना इंसान में मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगती है, जिसमें वॉच पहनी होती है. साथ हम इस फिंगर में ये वाली रिंग पहनेंगे, इसमें हम ये वाली पहनेंगे, ठीक है. फिर हम ये जो है ये हम इसमें पहनेंगे या और इसमें हम ये ब्रेसलेट पहनेंगे. इतना ध्यान मैंने पेपर में लगा लिया होता ना, वाह क्या बात होती. स्टार्ट हम लोग ये वाले पहनेंगे, बस यही पहनेंगे हम लोग, सिंपल. शादी नहीं हो रही, पढ़ने जा रहे हैं. ओके पीपल, सो आई एम फुली रेडी. ये बहुत खुला है बट ठीक है यार, फैशन है और मुझे इसका कलर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा था मैं आज ये पहनूंगी. और साथ मैंने व्हाइट दुपट्टा कैरी किया और साथ मैं व्हाइट बैग कैरी करूंगी एंड There we go. Let's go to university. मेरे को बस सही लग रहा है ना, इतना बुरा नहीं लग रहा, इतना दिखाई नहीं दे रहा. Okay, you guys, we are all ready. पकड़ ली है मैंने अपना बस्ता. चलो चलो नीचे कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद हम चलते हैं. टांगों में अभी भी दर्द है. यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी हूँ एंड वी आर गोना एंटर. हे गाइस, सो आई एम गोइंग फॉर ओरिएंटेशन. यहाँ पर ओरिएंटेशन बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी थी और आपकी बहन को ना पहली सीट मिल गई थी, मतलब बिल्कुल शुरू में ही बिठा दिया. हम ठहरे बैक बेंचर्स, मुझे तो शुरू पे बैठने की आदत ही नहीं है, लेकिन खैर मैं बैठ तो गई. लेकिन जो मुझे नींद आई, बट इट वाज रियली हेल्पफुल. मुझे बहुत मजा आया सबकी बातें सुनने में, काफी इंटरटेनमेंट भी थी, साथ साथ बता भी रहे थे सारा, लेकिन मुझे बहुत मजा भी आया और बहुत नींद भी आई एट द सेम टाइम. यहाँ पे चल रही थी रिफ्रेशमेंट्स और मैंने पी थी कश्मीरी चाय और भी कुछ था मेरे ख्याल से, मैंने देखा नहीं. खैर 25 के करीब अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज. एब्सोल्युटली राइट जी, एब्सोल्युटली राइट.
यहाँ पे सब बच्चों को एक ग्राउंड में बिठा दिया था क्योंकि मेन कैंपस का टूर हो रहा था, बहुत रश था, इसलिए उन्होंने कहा थोड़ी देर तुम लोग साह ले लो, थानू बाद च कराने। लड़कियां तो ऐसे पिक्चर्स ले रही थी जैसे एग्जीबिशन लगी हुई है यार, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी लेकिन मैं भी पोज मार रही थी आगे से। खैर फिर हमारे कैंपस का टूर शुरू हुआ और बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी टीचर्स वगैरह आगे क्या बोल रहे थे, बस मुझे इतना पता था कि मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रही है, खलियां ब्रो खलियां पड़ी हुई है। उसके बाद हमारा सेमिनार हुआ था जिसमें हमें हमारे डिपार्टमेंट के बारे में बताया था। ओके यार मैं चलती हूँ, आप लोग देखो। हाय लुक हूज बैक फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ही इज बैक। सो मैं बताती हूँ, मैंने ज्यादा व्लॉग नहीं किया यूनिवर्सिटी में बिकॉज मेरा फर्स्ट डे था यार, मुझे थोड़ा सा वाला बिहेव करना था कि मतलब अभी फ्रेशर हूँ ना, और मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा था वहां ना व्लॉग करने से, इतने लोग थे, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स थे और एक दूसरे को जज ही कर रहे थे बैठ के, तो फिर इसलिए मैंने ना इतना खास व्लॉग नहीं किया। लेकिन अगले 4 साल हम उसी यूनिवर्सिटी में हैं तो आप लोगों को सारी यूनिवर्सिटी विजिट कराऊंगी, आप लोग को रोज यूनिवर्सिटी लेकर जाया करूंगी, ठीक है, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं बताती हूँ हाउ वॉज माई फर्स्ट डे, कोई क्लासेस वगैरह हुई नहीं, पता नहीं लगा कि कौन कौन से क्लासमेट्स हैं, बस ये था कि ओरिएंटेशन हुई और लाइक मुझे बहुत मजा आया, लिटरली इट वॉज गुड। लेकिन ओरिएंटेशन तो यही था ना कि सबकी बैठ के हमने सुनी कि सब बोली जाते बोल जाते बोल जाते, हम सुन जाते, मुझे तो बहुत नींद आती है, मैं जाके भी फ्रंट सीट में बैठ गई थी, ठीक है, तो लेकिन खैर इट वॉज गुड। काफी लोगों से बात हुई, एक मेरे टीचर से बात हुई जो मुझे 5th सेमेस्टर में पढ़ाएंगे, उनसे भी मेरी बात हुई थी, मेरे डॉक्टर्स से भी बात हुई थी, मुझे एक दो दोस्तें भी मिल गई, आई इंजॉयड। लेकिन मैं कुछ खाया पिया नहीं, और थानू पता है कि मैं जब तक कुछ खावा पीवा ना तो मेरे को एनर्जी नहीं होती, तो मैंने अब मामा को बोल दिया वो मुझे कोई कुछ खाने के लिए देंगी, एंड यस कल से हमारी प्रॉपर क्लासेस हैं, आई एम सो एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस जर्नी बट आई एम स्केर्ड एज वेल, लेट्स होप इट विल बी ग्रेट। मैं होने लगी हूँ फ्रेश फ्रेश और उसके बाद फिर मैं आप लोग को कैच करती हूँ, बाय। ओके सो माई फूड इज हेयर और अब मैं ना बहुत भूखी हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैंने सिर्फ वहाँ चाय पी थी, तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम फौरन खा लेते हैं उसके। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर चाय पी लो, ये कप जो मामा बनाती हैं ये तो मस्त है ना, बाकी मैं यूनी कॉलेज में पीऊँ ना पीऊँ यहाँ मैंने जरूर पीनी है भाई, और मेरी अम्मी कैसा रहा पहला दिन? बहुत अच्छा। अच्छा क्या किया? मैं हम लोगों ने ओरिएंटेशन ली, हम लोग बस सुनी गए, फिर हमारी रिफ्रेशमेंट भी थी, फिर हम लोगों ने चाशा पीती, ते असी वेखन गए मेन कैंपस, फिर हमने कैंपस देखा, फिर approximately 10 hours later फिर सारे टीचर्स ने अपना खिताब किया, एक सेमिनार हुआ, फिर मैं खड़ी रही, मुझे लेने ही नहीं आ रहे थे, ले आए, फिर मैं घर आए, उठ जाओ अब। आज हमारे स्पेशल चूल्हे बन रहे हैं कल इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखेगा, मुझे दुआओं में याद रखेगा, अल्लाह हाफिज़, बाय ब्यूटीफुल पीपल।